जियो ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को कैसे हिलाकर डाला था ये तो आज पूरा इंडिया जानता है। और अब आ रहा है अंबानी जी का दूसरा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया के पूरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को ऊपर उठाने वाला है। जी हाँ, मुकेश अंबानी मुंबई में एक मेगा सिटी बनाने वाले हैं जिसके लिए वो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। चलो तो आज के इस वीडियो में हम इसी मेगा सिटी के बारे में और बातें करते हैं और जानते हैं कि ये सिटी असल में क्यों बनाई जा रही है। मुकेश अंबानी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत जाने जाते हैं, फिर वो जामनगर रिफाइनरी हो या फिर रिलायंस जियो हो। ये प्रोजेक्ट्स आज कितने सक्सेसफुल है ये तो आज पूरी दुनिया जानती है। अब वैसे ही हमारे मोटा भाई एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जहां वो मुंबई में अपने खुद की एक सिटी बनाने वाले हैं और जिसमें रोड्स, रेलवेज, यहां तक कि एयरवेज भी होंगे। जी हाँ, पर इस सिटी बनाने के पीछे का मोटिव क्या होगा? चाइना की शेंजन सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा जो कि अपने बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और अपने बिजनेसेस के लिए काफी काफी ज्यादा फेमस है। एक्चुअली ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि 1980s में बनाया गया था और आज 4 डेकेड्स बाद ये सिटी चाइना की एक सुपर पावर बन चुकी है। ये सिटी सच में काफी वंडरफुल है। अगर आपको इस सिटी के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, हम इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, शेंजन सिटी की तरह ही अंबानी जी इंडिया में एक ऐसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं जो कि शायद आने वाले कुछ सालों में इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दरअसल ये मेगा सिटी का आइडिया धीरूभाई अंबानी जी ने सबसे पहले सजेस्ट किया था और उनका यही सपना आज पूरा कर रहे हैं उनके बेटे मुकेश अंबानी। 2004 में मुकेश अंबानी जी ने अपने स्कूल फ्रेंड्स आनंद जैन और निखिल गांधी के साथ मिलकर नवी मुंबई में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए सारे लीगल ऑपरेशंस कर दिए थे, लेकिन कुछ रीजंस के चलते ये प्रोजेक्ट डिले ही होता गया और वो भी करीब 10 सालों के लिए। पर मार्च 2019 में ये पेंडिंग प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया है जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2180 करोड़ का इनिशियल पेमेंट करके 4000 एकड़ की जमीन लॉन्ग टर्म लीज पर ले ली है। एक बार ये सिटी बन जाए तो वो मुंबई को भी एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल सिटी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस सिटी में 24% सिडको ओन करती है यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्प और बाकी के 76% मुकेश अंबानी, आनंद जैन और निखिल गांधी ओन करेंगे। ये सिटी तो वो पूरी बिल्ड करेगी ही, लेकिन उसके अलावा रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और लग्जरी एमिनिटीज की भी सारी प्लानिंग पहले से ही कर चुकी है। ऐसे कहा गया है कि अगले 10 सालों में इस सिटी में $75 बिलियन यानी 5.4 लाख करोड़ जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, साथ ही जिससे 5 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। और अगर सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हो गया तो ये इंडिया का सबसे पहला मेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा जो कि इंडिया को पूरी तरह से बदल देगा। क्या आप इस सिटी के लिए एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।